हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर कर रहे हैं पावर पॉइंट के कंप्लीशन को। जैसे इससे पहले मैंने होम मेनू बना दिया है, आप होम मेनू जरूर देखिएगा। इसके बाद आप ये देखिएगा इंसर्ट मेनू। यदि आप पावर पॉइंट में कुछ काम करना चाहते हो, कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाना चाहते हो, या वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, मिक्स वगैरह करना चाहते हो, ऑडियो के साथ फोटो मिक्स करना चाहते हो, तो वो चीज़ मैं इस सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं टेबल इस्तेमाल करना है। टेबल का इस्तेमाल तब हम करते हैं जैसे कोई आपको प्रेजेंटेशन व्यू में दिखाना चाहते हो, रिकॉर्ड वगैरह। इसमें हेडिंग वगैरह दे दिया आपने, सीरियल नंबर और एम्प्लॉय का नाम और डिसिग्नेशन, सैलरी वगैरह आप दे सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसका सेशन मैंने बताया है एमएस वर्ड और एक्सेल में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम बाद देखते हैं। जब जरूरत होता है तब हम यूज़ करते हैं। और पिक्चर का इस्तेमाल आप जानते हो, पिक्चर हमने यहाँ पर क्लिक किया, एक पिक्चर हम यहाँ मंगा लेते हैं, जैसे ये पिक्चर मंगा लिया। अब इस पिक्चर को क्या करते हैं, हम इसको स्मॉल करेंगे, और जैसे हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है। तो फॉर्मेट ऑप्शन में क्या करेंगे, अब यहाँ पे शेप मिलेगा अलग अलग, तो इसमें अप्लाई करो। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, देखो क्लिक करोगे ना जो बैकग्राउंड होगा इसका वो रिमूव हो जाएगा, आपको केवल इमेज मिलेगा। ठीक है, बाहर क्लिक करो। अब देखो यह ध्यान से, ठीक है, तो ये तरीका बहुत ही खूबसूरत होता है काम करने का। इसके बाद यहाँ पे अगर कलर वगैरह करना चाहते हो सेट, तो आप कलर भी सेट कर सकते हो, और अगर इसमें से कुछ और कलर सेट करना चाहो तो भी कर पाओगे। इसके बाद आर्टिस्ट कलर यानी जो पेंटर वगैरह यूज करते हैं उनका भी कलर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर चाहो कुछ तो रिसेंट पिक्चर का, तो मतलब जैसा था ओरिजिनली वैसा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर वगैरह सेट करना चाहते हो तो बॉर्डर वगैरह सेट कर लो, और ये सब वेटेड वगैरह है आप सेट कर पाओगे। यहाँ से इसको ये वीवल वगैरह है, आप इनको चाहते हो कुछ अलग टाइप से दिखा सकते हो। ठीक है, एलसीडी वगैरह फॉर्म में दिखाना चाहते हो दिखा पाओ, शैडो वगैरह चाहते हो तो शैडो दिखा दो नीचे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, रिफ्लेक्शन वगैरह चाहते हो तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नीचे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ग्लो वगैरह, ठीक है, साइड से ग्लो भी मिलता रहता है, और यहाँ पे सॉफ्ट इजी मतलब अगर कोई इमेज है उसको छिपाना चाहते हो बहुत ही नॉर्मल छिपा पाओगे। इसके बाद यहाँ पे बीवल वगैरह है, तो आप चाहो उसको थोड़ा सा स्टाइल फॉर्म में कर दो, मतलब ये होता है ना थोड़ा सा निकला हुआ भाग, हल्का सा ये दिख रहा फ्रंट वाला। इसके बाद 3D वगैरह चाहे तो 3D वगैरह सेट कर लो अलग अलग। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ें मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें मैंने एमएस वर्ड में बताया भी, एक्सेल में भी बताया। ओके, यदि आप क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रॉप भी ऑप्शन आता है ना, क्रॉप कर लेंगे, यहाँ क्लिक करो, इधर से अगर चाहते हो क्रॉप करना तो क्रॉप भी कर पाओगे। ठीक है, ओके कर लो, ये क्रॉप हो गया इमेज। ठीक है, इसके बाद देखो आप पिक्चर इस्तेमाल कर लिया, आप क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट पर क्लिक किया, यहाँ पे सब आएगा। देखो यहाँ पर इसको हटा दो, यहाँ बहुत सारे क्लिप आर्ट मिलेंगे, इनको जो यूज़ करना है जैसा प्रेजेंटेशन बना रहे हो वैसा इस्तेमाल करोगे। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि पूरा कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने रोज़ मंगा लिया और इंटर किया। रोज़ के लिए मैंने क्या किया, एक पेज ले लिया होम पर और इसको इंसर्ट किया, और इसको मैंने बड़ा कर लिया थोड़ा सा। राइट बटन क्लिक करके एडिट करना है, और यस करके इसको इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करके डिलीट कर दो। ठीक है, और इसको क्या करना, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पॉइंट जितने भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, जितने पॉइंट है अलग अलग पॉइंट है जितने भी, क्योंकि इसमें अलग अलग टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद क्या करोगे, आपको कुछ नया पॉइंट करना होगा। जैसे फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ लिखा है सेफिल और यहाँ लिखा है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे क्लिक करो, यहाँ मोर ग्रेडियंट होगा, और यहाँ जो ग्रेडियंट लिखा होगा इसे देखो बहुत सा प्यार सा कलर कर सकते हो, इसको जैसा चाहो वैसा कर पाओगे। समझ में आया, यहाँ पाथ वगैरह अलग अलग कलर चाहो तो यहाँ सेट भी कर सकते हो। क्लोज करो, ये देखो ये कलर हो गया सेट। समझ में आया, इसको और भी बहुत ही खूबसूरती के साथ बना सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीन शॉट वगैरह लेना वो मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं फोटो एल्बम बनाना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या होगा हमारे पास, फोटो एल्बम बनाना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ फोटो एल्बम कैसे बनता है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, मेरे पास यहाँ पे दो पेज हो गया। ठीक है, सबको मैंने डिलीट कर दिया। अब दिखाते हैं फोटो एल्बम कैसे बनेगा। इंसर्ट पे जाओ, यहाँ फोटो एल्बम क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन देगा कि फाइल डिस्क यानी कौन कौन से फोटो को सेलेक्ट करना है। कोई भी आपके पास फोटो हो सकता है ना, कॉलेज वगैरह हो सकता है, एल्बम फ्रेशर पार्टी का, फेयरवेल पार्टी का, अगर आप कहीं पिकनिक वगैरह गए हो। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप कलेक्शन यानी आपकी आपकी जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, उनको आप सजो करके एक वीडियो बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर ले लो और उसको सेट कर लो। जैसे हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ पिक्चर हम ले लेते हैं ना, जैसे हमने ले लिया कुछ चीज़ें, एक ये ले लिया, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ों को,
और यहाँ पे पूछता है कि आप चाहते हो कि कितना पेज, दो पिक्चर को एक साथ रखना चाहते हो एक पेज पर, तो चाहो तो यहाँ पे क्लिक करो और इसको क्लिक करके इंसर्ट कर लो, समझ आया। और चाहो तो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में रख लो, फ्रेम वगैरह चाहते हो फ्रेम मिल जाएगा, शेडो वगैरह के लिए मिल जाएगा। आप फाइल डिस्क पे जाओ, नया पेज ले लो, सॉरी नया इमेजेस, और क्रिएट करो। तो क्या होता है, ये जो ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के आ जाता है, समझ में आया। ये देखो ध्यान से, एक सेटिंग अंतर्गत आ जाता है। दोनों कंट्रोल बटन प्रेस करके क्या करो, सेलेक्ट कर लो, और इसको तुम बड़ा भी कर सकते हो, फॉर्मेट पे जाकर के इसको सेम भी सेट कर सकते हो ना, ठीक है। इसी तरीका होता है। इसके बाद क्या करना है, बाहर क्लिक कर लो, सेट कर लो इसको। इसके बाद क्या करना है, फोटो एल्बम वगैरह में आपने लिख देना है जो लिखना होगा, ठीक है। और सॉन्ग वगैरह लगा लेंगे। इसके बाद क्या करना है, मैं सॉन्ग बता रहा हूँ अभी अभी, ठीक है। ये सेफ है, सेफ का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, हमने ले लिया हार्ट शेप। हार्ट शेप पे क्या करना है, फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ से फिल लिखा हुआ है, ग्रेडियंट पे जाओ, मोर ग्रेडियंट। मोर ग्रेडियंट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करो, ग्रेडियंट पे जाओ, और देखो ये बहुत ही प्यारा कलर हो जाएगा। देखो जो भी कलर आपको चाहिए ना, तो आप और भी प्यारा कलर बना सकते हो। ये बस मैं समझा रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, कलर चेंज करना, तो यहाँ तुरंत क्लिक करो और कलर चेंज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ किसी भी कलर, किसी भी क्लिक करो और कलर चेंज कर, जैसे मतलब यहाँ पे येलो चाहिए, येलो क्लिक किया तो येलो आ जाएगा, समझ में आया। ओके, इसके बाद देखो क्या करना है, कलर वगैरह हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करो, सेफ फिल पे जाओ, उसका बॉर्डर सेट करो। बॉर्डर में क्या करना है, यहाँ पे वेट बढ़ा दो, वेट बढ़ा दिया, और उसके बाद डेसेस करना चाहो तो डेसेस कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसमें कुछ वर्ड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब मान लो ये इमेज है, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, देखो रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड, कि अब ये केवल ये मिलेगा मुझे, समझ में आया। इसको उठा के इसमें रख दो, और इसको क्या करो, सेंड टू बैक नहीं, इसको करना क्या, फ्रंट डाल दो, समझ में आया। देखो ये आ गया हमें, बहुत ही कमाल का चीज़ है ना, इसको घुमा दो इधर ऐसे, समझ में आया। इसको थोड़ा सा हल्का सा रोटेट कर दो, देखो बहुत ही कमाल का चीज़ है यहाँ पे काम करना, और हम अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आप चाहते हो कि बहुत सारे यहाँ पे लगाना चाहते हो इन सब चीज़ों को, तो कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो, समझ में आया। और इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट पे जाओ। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ मिलेगा स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट मैंने बता दिया, एमएस वर्ड एक्सेल में चार्ट भी बता दिया है और हाइपरलिंक भी बता दिया है। हाँ, इसमें नया है एक्शन, एक्शन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा जब मैं वीडियो बताऊंगा, ठीक है, इसको छोड़ दो। अभी क्या करना है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे लिया मैंने, होम पे गए, न्यू स्लाइड, यहाँ पे टेक्स्ट मतलब था कि अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। दिस इज माई फीलिंग, ठीक है, और इसको लिख दिया, कुछ भी वर्ड आप लिख सकते हो, कोई भी कोट वगैरह लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। सेलेक्ट करो कंट्रोल ए से, ऑल सेलेक्ट किया, अगर आप चाहते हो कि इसको फॉर्मेट जाके इसका टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज कर दिया जाए तो बिल्कुल कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटी आपके पास है। रेड कलर करना चाहो तो रेड कलर कर दो, या और भी फॉन्ट आपके पास स्टाइल है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, समझ में आया। कंट्रोल आई कर लो, कंट्रोल यू कर लो, ये सब चीज़ें आपके पास बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर हेडर फुटर का, आपने बता दिया हूँ मैं एमएस एक्सेल वर्ड में भी, और वर्ड आर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मैंने बता दिया। डेट टाइम वगैरह लगाना हो तो डेट टाइम वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे डेट टाइम चाहिए तो क्या करोगे, क्लिक करो, और क्लिक किया डेट एंड टाइम, स्लाइड पे लगाना चाहते हो तो अप्लाई ऑल, तो अप्लाई ऑल कर दो, क्या होगा, सब पे दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है चीज़, ठीक है, यहाँ दिख रहा हो, समझ में आया। इस तरीके से हम डेट टाइम लगाते हैं, और स्लाइड का नंबर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ लगाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ नीचे दिख रहा है आपको पोजीशन, प्रीव्यू करो, अप्लाई टू ऑल, ठीक है, अप्लाई ऑल कर दोगे तो क्या होगा, सब पेज पे आपको दिखाई देगा, समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कि किसी भी अदर सॉफ्टवेयर को ओपन करके इसमें काम कर सकते हो। मान लो यहाँ पे बिट मैप इमेज है, क्लिक किया, पेंट ओपन हो जाएगा, तो पेंट और भी चीज़ें बहुत चीज़ें हैं, हम इसको कुछ लिख लिख वगैरह के, या ब्रश वगैरह यूज़ कर लिया हमने, ब्रश वगैरह करके, ठीक है, अलग अलग तरीके के कलर मिलेंगे हमें, उनका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। कलर वगैरह चेंज कर लो और कट करोगे तो वहाँ पे पहुँच जाएगा ऑटोमेटिक, समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है ऑलरेडी, एमएस एक्सेल में आपको जो यूज़ करना है यूज़ कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगा, वीडियो लगाना है। वीडियो पे क्लिक करो,
अब यहाँ पे हम वीडियो मंगाएंगे और वीडियो पर कुछ एडिटिंग करके मैं दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने एक वीडियो सेलेक्ट किया, मान लो यहाँ पे एक वीडियो दिखा हुआ है, ये वाला एक वीडियो है, इंसर्ट किया और यस कर उसको, ओके। जब ये वीडियो आ जाए, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो ऑडियो इंसर्ट करना है तो आपको एक प्लेयर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वो प्लेयर अगर नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो प्लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, वही सपोर्ट कराएगा कि आपका वीडियो ऑडियो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। उस समय प्लेयर का नाम बता देता हूँ। देखो फ्रेंड, ये वीडियो है, ये जो सॉफ्टवेयर है आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका नाम है क्विक टाइम इंस्टॉल इंस्टॉलर। इससे क्या होगा, वीडियो सपोर्ट करेगा, हर टाइप का वीडियो सपोर्ट करेगा आपके पावर पॉइंट में, और हर टाइप का ऑडियो भी सपोर्ट करेगा इससे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, आप नेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक और चीज़ ख्याल रखना, जब भी आप वीडियो अगर एडिट करने की कोशिश करोगे ना, तो आप क्या करना, नए वाले वर्जन का इस्तेमाल करना, यानी 2007 को छोड़ करके 10 का इस्तेमाल कर सकते हो, 13 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और 16 या 19 का इस्तेमाल करो। 19 का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, एकदम लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है ना, वो बेस्ट रहता है सबके लिए। इसको हम यहाँ पे फिनिश कर लेंगे, वापस हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वीडियो पे क्लिक करेंगे ना, देखो वीडियो पे क्लिक किया हमने, और अब यहाँ पे क्लिक किया हमने, इंसर्ट करेंगे, देखो अब आ गया ना, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। यही तरीका होता है कि अगर सपोर्ट ना करे तो इनका इस्तेमाल करना। अब मान लो यहाँ पे मुझे फ्रेमिंग करनी है इस वीडियो की, तो फ्रेमिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर इसको चलाना है तो क्या करोगे, चला सकते हो, प्लेबैक में जाओ, प्लेबैक में लिखा होगा ऑन क्लिक, ठीक है, यानी वीडियो पर क्लिक करो तब चलेगा। एक होता है फुल स्क्रीन, ये तो अगर फुल स्क्रीन करेंगे तो ये वर्ड देखेगा नहीं, ठीक है ना। और एक और चीज़ ख्याल रखो, यहाँ पे लिखा है ट्रिम, ट्रिम मतलब क्या होता है, वीडियो का कटिंग करना, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्या, इसको प्ले करते हैं, हम प्ले करें क्या चलेगा, नजदीक आओ, ठीक है। अगर ये वीडियो चल रहा है तो यहाँ पे एक वीडियो ट्रिम करो, आप चाहते हो बीच में से चलाना चाहते हो तो बीच में से भी चला पाओगे। तो वीडियो में क्लिप ट्रिम पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मैं ऑप्शन पूछेगा कि कितना चाहते हो आप, तो यहाँ पर आप इसका शॉर्ट वे में चलाना चाहते हो, यानी कितना मिनट, यहाँ दिख रहा है ना 18 सेकेंड वगैरह, तो इसको बढ़ा दो 49 सेकेंड वगैरह, तो इसको 49 सेकेंड चाहते हो तो 49 सेकेंड रख लो और ओके करो, तो केवल इतना ही अच्छा लगेगा, समझ में आया। और इसको प्ले करो, इतनी जल्दी, ठीक है। और क्या करना, ये सेट हो जाएगा, इसके बाद इसको प्ले कर सकते हो, समझ में आया। इसको बिगनिंग कर दोगे तो यहाँ पे पहला पेज चलेगा, फिर दूसरा पेज चलेगा जो चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब मैं आपको एक चीज नया चीज बताऊंगा कैसे हम वीडियो और ऑडियो को मिक्स करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे पास में पेज है मैं सबको डिलीट करता हूँ तुरंत आपके सामने, ठीक है। अब देखो दो पेज हमारे पास है ना, तो इनमें सेटिंग क्या होगा, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अभी आपको डिज़ाइन भी जानना होगा, ट्रांजिशन भी जानना होगा, एनिमेशन और स्लाइड, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ड्यूरेशन, डिले वगैरह, और ट्रांजिशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो मान लो ये जो हमारे पास वीडियो था, हम चाहते थे इस वीडियो को शॉर्ट वेव में चलाना, तो शॉर्ट वेव में कितना हम चाहते हैं, इतना चले, ठीक है, कितना 9 सेकेंड इसमें चले, ओके करो। और दूसरा वीडियो क्या हो, इस यही वीडियो 9 सेकेंड से नहीं हमें आगे चलाना है, ठीक है ना। हम चाहते हैं इस वीडियो को ट्रिमिंग पे जाओ, यहाँ प्लेबैक लिखा होगा, ट्रिम पे क्लिक करना, सॉरी ट्रिम पे क्लिक करो। जब ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ हमें ऑप्शन देगा, और अब हम चाहते हैं कि साहब यहाँ पर 3 से ना चल करके आगे से चले, ठीक है। देखो जैसे ये मान लो यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ तक, ये कितने सेकंड का, 1:27, ओके करो। और एक और चीज़ ख्याल रखो, अब क्या करो, आप सीधा चले जाओ ट्रांजिशन पे, यहाँ पे लिखा होगा ऑन माउस क्लिक, इसको हटा दो, आफ्टर कर देना, समझ आया, ट्रांजिशन जो ऑप्शन दिख रहा है, और इस पे जाओ, यहाँ पे भी ऑन माउस क्लिक करके हटा दो, ये प्रेजेंटेशन भी होता है, हमें वीडियो भी चलाना है तो आफ्टर करना पड़ेगा, और इस पे क्लिक किया, इसको भी हटा दो, समझ में आया। ये जो वीडियो है यहाँ पे लिखा होगा एनिमेशन, एनिमेशन पे क्लिक करो तो यहाँ पे कस्टम एनिमेशन होगा, और ये जो वीडियो लगाया है इसको क्या करो, विथ प्रीवियस, समझ में आया, क्या करना है, विथ प्रीवियस,
कहाँ पर, एनिमेशन पे जा करके यहाँ पर सेट कर लेना। इसके बाद इस वीडियो पे जाओ, इसको भी, क्योंकि देखो जब तक सेटिंग नहीं करोगे तब तक वीडियो चलेगा नहीं, ख्याल रखना इस बात का, ठीक है। अब ये वीडियो सेट कर लिया, अब क्या करो, इस पे कुछ मूवमेंट देना चाहते हो तो मैं बता दूंगा अभी अभी बाद में। इसको क्या करना है, स्लाइड शो पे जाओ, इसको प्ले कर दो सीधा सीधा। इतनी जल्दी नजदीक आओ, ठीक है। देखो अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट होगा ना, अगर ऑन माउस क्लिक पे होगा तो क्या होगा, आपका जो एनिमेशन है वो चलेगा नहीं, कोई भी ऑन क्लिक पे नहीं होना चाहिए, या तो विथ प्रीवियस हो या तो आफ्टर प्रीवियस हो, तभी वो चल पाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो हमने लगाया था प्लेबैक पे जाकर के, हमें यहाँ पे क्या करना था ऑटोमेटिकली, ठीक है, जैसे इसका ऑटोमेटिकली था यहाँ पे, ये ख्याल रखना इस बात का, तभी वो दोनों चल पाएगा, समझ में आया। तो देखो ये चीज लग गया। अब चाहते हो कि मान लो आप कोई रिकॉर्डिंग आपने कर लिया है घर पे, ठीक है, उनमें क्या चाहते हो, देखो इसमें एक फैसिलिटी ये है कि आप किसी भी पेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटी है। आपने कोई रिकॉर्डिंग कर लिया, आप चाहते हो कि इसमें कुछ एडिटिंग कर लिया जाए, कुछ वीडियो आपको हटाना है, अब देखो बीच में कुछ आप चाहते हो कि ये भी वीडियो जोड़ना है, ठीक है, इंसर्ट करो। जब इंसर्ट हो जाए तो यहाँ प्लेबैक में जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो ऑटोमेटिकली, और ट्रिम पे क्लिक करो। ट्रिम पे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर देंगे सीधा सीधा। हम चाहते हैं इसको कटिंग करना ना कितना, इसको हम चाहते हैं 7 सेकंड चलेगा, ओके 7 सेकंड ये चले, और फुल स्क्रीन नहीं रखना है हमें, अगर फुल स्क्रीन रखना चाहते हो तो रख लो, सबको फुल स्क्रीन कर दो सही रहेगा, तो एक साथ क्या चलेगा, कंबाइन चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, जो हमने वीडियो इंसर्ट किया तो हमें कहाँ जाना होगा, एनिमेशन पे, और कस्टम एनिमेशन जाकर के क्या करेंगे हम, यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस की जगह क्या करेंगे, विथ प्रीवियस, ठीक है, और सबको विथ प्रीवियस कर लेंगे, तभी एक साथ सारे वीडियो चल पाएगा, वरना प्रॉब्लम होगा चलने में ना, ठीक है। अभी देखो एक चीज फैसिलिटी है, अभी क्रॉपिंग, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर वाला, इस पर्सन को हटा दो यहाँ से सीधा सीधा, ठीक है, ये सारी फैसिलिटी है जी। ओके क्लोज करो, कट गया। मान लो इसमें भी कुछ चीजें हैं, क्रॉपिंग करना चाहते हो क्रॉपिंग कर लो, ठीक है, क्रॉप कर लिया। और आप चाहते हो कि इस वीडियो में आपका नाम हो तो नाम कैसे चाहते हो, यहाँ पे मान लो टेक्स्ट बॉक्स मंगाना चाहिए, देखते हैं ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे सक्सेस है या नहीं है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड, सेलेक्ट किया, इसको हमने कलर कर दिया, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे हमने सेट करना है, जिसको प्ले करेंगे तो ये क्या होगा, अब देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ गए, स्लाइड शो पे जाएंगे, इसको प्ले कर देंगे। इतनी जल्दी नजदीक आओ, बड़ा चासी के पहला प्यार होंदा फिर व्या, तो किधर प्यार करना थोड़े ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसको चलने में, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप वीडियो को ना मिक्स कर पाओगे। हाँ इसके लिए जब काम किया करो तो लैपटॉप भी ढंग का होना चाहिए, ठीक है, लैपटॉप कम से कम अगर ढंग का नहीं होगा तो क्या होगा, हैंग वगैरह करेगा, और आपका कन्वर्सन में प्रॉब्लम हो जाएगा और मिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो आप लगा दिए, और मान लो कुछ और वीडियो चाहते हो, यहाँ पे नया पेज लिया, नया पेज ले करके यहाँ पे वीडियो लगा करके और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। और अब क्या करो, अब मान लो मुझे म्यूजिक चाहिए बैकग्राउंड में, ठीक है, इंसर्ट पे गए, यहाँ पे क्लिक किया ऑडियो, और ऑडियो पे जब जाओगे तो यहाँ देखो कुछ कुछ मेरे पास पड़े हुए, मैंने ले लिया स्विंगी नाम का कोई भी म्यूजिक है, इसको उठाओ और साइड में रख दो, ठीक है ना, पेज पे नहीं रखना है, और प्लेबैक में जा करके ऑटोमेटिकली कर दो हाई ड्यूरिंग शो, यानी जब चले तो दिखाई न दे, और इसको भी चाहते तो ऑडियो को ट्रिम कर सकते हो, और एनिमेशन जाओ यहाँ पे कर दो क्या विथ प्रीवियस, समझाया। उसका जो साउंड है ना, साउंड का लेवल कम कर दो, क्योंकि वीडियो चलेगा और जहाँ वीडियो ना चले तो यहाँ ये चले, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर स्लाइड शो पे प्ले किया, प्ले कर दो, समझाया। ठीक है, तो इस चीज को अपना सही से रख लीजिएगा तभी चलेगा, ओके। यहाँ पे लूप कर लिया करिएगा तो क्या होगा, रिमाइंड कर लीजिएगा तो ये कंटिन्यू चलेगा, ओके। तो
ये चीज़ें, ये तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा अगर मैं जब बताऊंगा स्लाइड्स, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि कैसे हम वीडियो को म्यूट करके अपना कोई भी सॉन्ग ऐड कर लेंगे, खुद का वॉइस ऐड करना, डबिंग वगैरह करना, वो मैं यहाँ बताऊंगा, और इसमें क्या होगा ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो वीडियो का रहा एंड, और आगे मैं वीडियो और ऑडियो को मिक्स करना बताऊंगा, ठीक है, वो जो यहाँ पर स्लाइड शो की बात होगी, और इसके अंतर्गत डिज़ाइन भी होगा, ट्रांजिशन होगा, एनिमेशन होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पूरा वीडियो देखो, और आप, मैं गारंटी लेता हूँ अगर प्रैक्टिस करोगे ना आप अच्छे सीख पाओगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।